जहां पर बड़ी खबर है, जहां पुनर्निरीक्षण पार्षद की 31वीं जो बैठक है वो संपन्न हो गई है। और हम बता दें कि आजीवन सजा काट रहे 39 कैदी आज रिहा होंगे और रिहा हुए कैदियों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही गई है। 74 कैदियों की जगह 39 कैदियों पर सहमति बनी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज जी देखिए, राज्य सजा पुनर्निरीक्षण पार्षद की 31वीं जो बैठक है वो संपन्न हो चुकी है और आजीवन सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा करने की भी बात कही गई है। देखिए अवंतिका, मैं बता आपको कि राज्य सजा पुनर्निरीक्षण परिषद जो है हर वर्ष जो है जो लंबी सजा काट रहे हैं कैदी जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है उनको उनके आचरण को लेकर के समीक्षा करती है और समीक्षा करने के उपरांत उनमें से जो कैदी जिनका चरित्र जेल में सजा के दौरान सही रहता है उन्हें रिहा करने का निर्णय लेती है। तो कल देर शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक सजा पुनर्निरीक्षण परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उस बैठक में तमाम वरीय पदाधिकारी, मतलब अगर हम कहें तो राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, इसके अलावा जेल IG और मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो सारे बैठक में शामिल हुए। 74 कैदियों के आवेदन पे विचार किया गया और उनमें तमाम विचारों करने के उपरांत जो है 39 कैदियों को रिहा करने की सहमति बनी है जो राज्य के विभिन्न जेलों में बंद है। एक तरह से अगर कहा जाए तो ये 39 कैदी जो वर्षों से जेल में बंद है और एक जेल के गाल कोठरी में बंद है उनके लिए एक नया सवेरा जो है वो सामने में दिख रहा है। 15 अगस्त को इन सारे कैदियों को जो है जेल से रिहा किया जाएगा। तो अपने तरह से अगर अपने आप में अगर कहा जाए तो उन परिवारों के लिए एक बड़ी खबर है, एक सुखद खबर है जो वर्षों से अपने परिजन की राह तक रहे थे कि जेल की काल कोठरी से कब निकलेंगे और घर वो कब आएंगे। तो एक तरह से इनकम सोर्स डेवलप करने की भी जो निर्देश है वो भी दिया गया है। देखिए वो जो सजा पुनर्निरीक्षण परिषद है इस ये सिर्फ ना कैदियों को रिहा करने पर विचार करती है बल्कि जो रिहा होते हैं जो कैदी उनके पुनर्वास को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरीके से उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ी जाए, इन सारे चीजों को लेकर के भी उस पर चर्चा होती है। एक रोड मैप तैयार होता है और उस रोड मैप के आधार पे जो है आगे काम होता है। तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे जो तमाम अधिकारी जो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए थे, मैंने जैसा पहले भी बताया आपको कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, इसके अलावा जेल IG और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी इस बैठक में शामिल थे। उन सभी को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि जब ये जेल से रिहा हो तो इनके रोजगार की व्यवस्था और इनके समाज के मुख्य धारा में जुड़े किस तरीके से ये जुड़े इसको लेकर के जो है एक ठोस प्लान बनाए और उस प्लान पे काम करे ताकि ये फिर से ये गलती ना करे और जेल जो है दोबारा जिन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़े। हालांकि अगर हम देखते हैं तो राज्य की विभिन्न जेलों में ऐसे सैकड़ों कैदी जो है वो बंद है जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है, जो उम्र कैद की सजा काट चुके हैं, बावजूद इसके वो जेल के अंदर है। इनमें कई कैदी ऐसे भी होते हैं जिनके जमानत लेने वाले परिवार के कोई सदस्य नहीं आते हैं या फिर ऐसे कैदी होते हैं जो बीमार होते हैं। तो इन सारे कैदियों पे विचार होता है कि उनमें से किन्हें छोड़ा जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 74 कैदियों पे जो है इस बार सजा पुनर्निरीक्षण परिषद ने बैठक करके विचार किया है और उसमें से 39 कैदियों को जो है रिहा करने पर सहमति बनी है, उन पे उन्हें रिहा किया जाएगा जो राज्य के विभिन्न जेलों में बंद है। और 15 अगस्त को मैं बताना चाहूंगा अविंतिका, ये 15 अगस्त जो आएगा आजादी का दिन जो है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, पूरा देश जो है आजादी का जश्न मनाएगा उस दिन उस दिन ये सभी कैदी जेल से रिहा होंगे, आजादी की सांस लेंगे, जेल के काल कोठरी से बाहर आकर खुली हवा में सांस लेंगे। तो अगर कहा जाए तो उन सब के लिए, 39 कैदियों के लिए और उनके परिजनों के लिए ये एक बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि 15 अगस्त को 39 कैदियों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। जी बिल्कुल, जब प्रांतिक जो है खुशियां मनाएगा स्वतंत्रता दिवस की, उत्साह उत्सव और उमंग में जो डूबा हुआ रहेगा उस दिन ये इस परिवार के लिए ये 15 अगस्त जो है कुछ खास होगा क्योंकि इनके वर्षों से जेल में बंद इनके परिजन जो है वो बाहर आएंगे और इनके साथ स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। जी अवंतिका, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए आज
39 कैदियों को रिहा करने की बात कही गई है और 15 अगस्त के दिन इन 39 कैदियों को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा जो इतने दिनों से आजीवन सजा काट रहे थे।